अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन निहारी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन का गोश्त ले लिया है, जिसमें चाप का गोश्त है, सीने का गोश्त है, मांडी का गोश्त है और नली भी है। ज़्यादा हड्डियों वाला गोश्त लेते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनती है निहारी। ये मैंने अनियन ले लिया है, एक बड़े साइज़ का कांदा लिया है, इसको कट कर लिया है बारीक सा स्लाइसेस में कट किया है। अब निहारी मसाला बनाना है तो मैं होममेड आपको निहारी मसाला बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और ये जायफल लिया है, थोड़ा सा छोटा सा ही टुकड़ा लेना है। एक दालचीनी ली है और 3 हरी इलायची, 5 लौंग, जावित्री और 2 स्टार फूल लिए हैं और काली मिर्चें ली हैं मैंने, 15 से 20 काली मिर्चें होंगी ये, इन सबको पीस लेना है। तो हमारा होममेड निहारी मसाला बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो रेडीमेड निहारी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ये तेज़ वाली लाल मिर्चें ली है, 2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची ली है लाल कलर के लिए और 1/2 चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर लिया है, यानी ड्राई जिंजर पाउडर, सूखे हुए अदरक का पाउडर है, और 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर लिया है। तो चलिए निहारी बनाने के लिए चलते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप तेल लिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, तेल इसमें ज़्यादा जाता है, निहारी में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तेल होता है, बट आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कम ज़्यादा ऑयल को। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है, अच्छी तरह भून ले। जैसे हम बिरयानी के लिए प्याज का बिरिस्ता बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसका बिरिस्ता बना लेना है। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन होकर क्रिस्पी से हो चुकी है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और मटन को थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ। गोश आपका ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए, धोने के बाद आप उसको या तो फिर जाली में रख दे, कोई छन्नी में रख दे कि जिससे उसका पानी निथर जाए, ज़्यादा पानी वाले गोश का इस्तेमाल ना करें। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के साथ साथ इसको मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई भी करना है, ताकि इस पर गोल्डन से निशान आ जाए, इस तरीके से हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया, देख सकते हैं अब मटन हमारा गोल्डन कलर का हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है ऑयल में अदरक लहसुन के साथ मटन को, तभी ये टेस्टी बनेगा। अब जो भी हमने स्पाइसेस लिए थे वो सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमने निहारी मसाला मैंने आपको बताया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, 2 टेबल स्पून हम इसमें निहारी मसाला ऐड कर देंगे। और होममेड मसाले से ही आप बनाइए तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर ये रेडी होती है और इतना टेस्टी बनता है ये घर में ही। आप जब इसको बनाओगे एक बार तो बार बार इसी को ही बनाओगे। तो मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भून लीजिए ताकि सूखे मसाले जले ना। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें दही ऐड कर देंगे, 1/2 कप दही लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट ले उसके बाद डालें, इससे क्रीमी टेक्सचर आता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे तेल के ऊपर आने तक। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर। मसाला हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। पानी निहारी में बहुत ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि निहारी पतली होती है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को याद से दबाइए, बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो 2 और आधा ग्लास यानी 2.5 ग्लास इसमें मैंने पानी डाला है, हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम पकाएंगे,
क्योंकि मटन मैं पतीली में गला रही हूँ तो इसके लिए इसको गलने के लिए वक्त लगेगा, पानी भी ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, अब इसको हम लीड से कर देंगे कवर और लो फ्लेम पर इसको 30 मिनट्स के लिए पका लेंगे। आप अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर आप 3 से 4 सीटी ले लें तो आपका मटन गल जाएगा। तो ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारे मटन को पकते हुए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबुएं भी आ रही है। तो अब ये जितना भी ऑयल ऊपर आया है ये सारा ऑयल हम निकाल लेंगे एक बोल में और इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि निहारी में ऑयल ऊपर से डालकर खाया जाता है सर्व करते वक्त, तो इसलिए हम सारे ऑयल को निकाल लेंगे। तो सारा ऑयल मैंने निकाल दिया है, ये देखिए बॉल में मैंने निकाल के इसको रख दिया है। अब ये निहारी हमारी कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप। गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो ये देखिए मटन हमारा अच्छी तरह से कुक्ड हो चुका है। ये मैंने आटा ले लिया है, ये गेहूं का आटा है, 3 टेबल स्पून गेहूं का आटा लिया है। इसमें पानी ऐड करेंगे, पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई लम्स वगैरह गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ और पतला इसका बैटर बना लेना है। अब स्लो फ्लेम रखेंगे और इसको आहिस्ते आहिस्ते एक साइड से डालते जाएंगे और एक हाथ से हम इसको चम्मच से चलाते जाएंगे, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू स्टर भी करते जाना है और आटे की जो स्लरी हमने बनाई है आटे को डालते भी जाना है। इसमें थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, निहारी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, पतली होती है, तो अगर आपको पतला चाहिए तो आप पतला रख लीजिए, गाढ़ा चाहिए तो आप गाढ़ा अपने हिसाब से रखिए। तो ये देखिए इतना थिकनेस मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो मैंने इतना थिक रखा है इसको, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे हम। तो 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे ताकि इसका जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और निहारी हमारी अच्छी परफेक्टली कुक हो जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, माशाल्लाह निहारी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, ज़बरदस्त खुशबुएं भी आ रही है और मज़ेदार सी बनी है, दिखने में ही इतनी लजीज लग रही है तो खाने में बहुत ही लजीज होगी और है ही। तो डिश में मैंने इसको सर्व कर लिया है। अब जो हमने ऑयल निकाल के रखा था साइड में, इसको हम ऊपर से डाल देंगे ऑयल को। ये देखिए रेस्टोरेंट में इसी तरीके से इसको सर्व किया जाता है, सर्व करते वक्त इस पर ऑयल डाला जाता है, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद है उतना आप इस पर ऑयल डाल दें। अब इस पर कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, आप चाहे तो अदरक के जूलियंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कटा हुआ चॉप किया हुआ बारीक हरा धनिया ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इस पर लेमन का जूस डालेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनकर रेडी हो चुकी है, आप इसको नान और तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है खाने में। तो अगर आपको व्यूअर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।